मौसम विभाग ने अंदाजा दिया था कि इस साल मानसून समय पर पहुंचेगा, जिस पर विश्वास रखकर यवतमाल जिले में 13,800 हेक्टेयर पर खेत बुवाई की गई, लेकिन मानसून नहीं आने की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है। किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 9 लाख हेक्टेयर पर खरीफ हंगाम बुवाई की जानी है, उस दृष्टि में किसान विभाग ने नियोजन किया था। ऐसे में किसानों ने बड़े जोखिम में बुवाई शुरू कर दी, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं हुई, इसलिए किसानों को परेशानी निर्माण हो गई है। अब बारिश की जरूरत है, लेकिन बारिश को अभी देर है। अपर्याप्त वर्षा के कारण कपास के बीजों का अंकुरण हुआ, बारिश की कमी के कारण अंकुर पीले पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को भरी संकर के संकेत है। पुसद, उमरखेड़, दिग्रस, यवतमाल, रालीगांव, दारवा, अरणी, घाटंजी, पांडरकौड़ा, इन तालुका के किसान परेशानी में पड़ गए हैं। कुएं में पानी होने के बावजूद बिजली आपूर्ति खंडित हो जाने से सिंचाई भी नहीं हो पाती। अब सरकार सर्वे कराकर किसानों को दोहरी बुवाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करे, ऐसी मांग की जा रही है। आपल्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये यावर्षी कापूस, सोयाबीन, तूर, त्याचप्रमाणे इतर पिकांची लागवड 9 लाख हेक्टरवर करण्याचं आपण नियोजन केलेलं आहे, आणि हवामान खात्याने पण यावर्षी चांगला पाऊस पडणार अशा प्रकारचा अंदाज वर्तवलेला आहे। त्याचप्रमाणे BBFने जे सरी आणि वरंबा अशा प्रकारचं हे यंत्र आहे, रुंद सरी आणि वरंबा पद्धती याच्यामध्ये तयार होते, आणि वरंब्यावर पेरणी केल्यामुळं आपल्याला जर जास्त पाऊस आला तरी जास्त पावसामुळं काय होतं की जे जादाचं पाणी आहे ते सरीमधून निघून जातं, आणि कमी पाऊस जरी आला तरी बेडवर पाणी पडल्यामुळं ते आपल्याला कमी पाण्यात पण पीक चांगल्या प्रकारे येऊ शकतं। त्याच्यामुळं हे रुंद सरी वरंबा पेरणी यंत्र आहे, म्हणजेच BBF जे पेरणी यंत्र आहे, त्याचा उपयोग करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी यावर्षी पेरणी करावी।